अक्सर हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई बुरी घटना घटती है, चाहे वो किसी को खोने की हो या ज़िंदगी में किसी चीज़ में हारने की हो, तो खुद को दोबारा खुश करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसी ही स्थिति में हम किसी न किसी नशे को अपना सहारा बना लेते हैं। उस समय जो नशा हमें बहुत अच्छा महसूस करवा रहा होता है, हम जानते नहीं हैं कि कुछ समय बाद वो हमें अपना आदी बना लेता है, हमें अपने ऊपर निर्भर कर लेता है। इतना निर्भर कि हम कुछ दिन फिर उठ ही नहीं पाते जब तक हमें वो नशा ना मिल जाए। किसी भी परिस्थिति में हारने या किसी को खोने के बाद कहीं ना कहीं से हम हर स्थिति को खुद से जोड़ते हैं कि हम शायद उसके लिए जिम्मेदार हैं, और उससे निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। जरूरी है उस समय ये जानना कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में बहुत कुछ चीज़ें अपने आप इस तरीके से हो रही है जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से उसके अंदर किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकते। हम अगर कुछ बदल सकते हैं तो वो है सिर्फ खुद को, और नशे का चयन ना करके, नशे को ना चुन के, हम कम से कम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। दुख कम नहीं होता, मगर उससे निकलने के लिए हमें ध्यान जैसी एक विधि का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसी विधि है जिसके अंदर आप वाकई आनंद को महसूस कर सकते हैं। वो आनंद जो शायद आप नशे में ढूंढ रहे हैं, वो कुछ पल के लिए आपको नशे से मिलता है, मगर ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये आनंद सदा के लिए मिल जाता है। तो चलिए ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, अपने मनोबल को अंदर से मजबूत बनाते हैं। तो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस भरें और इसे कुछ पल अंदर रोक लें, और अब मुंह से सांस को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को पूरी तरह से तनाव से मुक्त होने की इजाज़त दें। एक और लंबी गहरी सांस भर के इसे रोक लें, और सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, अपने हाथों को ढीला छोड़ दें, अपने हथेलियों को अपनी गोद में गिरने दें, और एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसे रोक लेंगे। और देखिए कि ये सांस अब पूरे शरीर में हर कोने तक बह रही है, और मुंह से सांस छोड़ते हुए बचे हुए तनाव को भी हम पिघलने देंगे। बिल्कुल हल्के आरामदायक स्थिति में आ जाएं। देखिए कि सांस कितनी आसानी से अंदर और बाहर जा रही है, किस तरह ये आपके फेफड़ों में जा रही है, और हर सांस के साथ एक नई किरण आपके जीवन में आ रही है, एक नया प्रकाश आपके जीवन में आते जा रहा है। ध्यान इस श्वास पर ले जाते हुए इसको अपना आभार प्रकट करें। महसूस करें कि कितने भाग्यशाली हैं आप, कि हर परिस्थिति में सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, आपकी सेहत सही है, आपका दिमाग सही है। अपने लिए आभार प्रकट करने के बाद ध्यान में लाइए उन व्यक्तियों को जिनको आप शुक्रिया कह सकते हैं, उनकी दी गई हर मदद के लिए, हर सहारे के लिए उन्हें शुक्रिया कीजिए। किसी भी तरह का दुख, पछतावा आप अपने दिल में लिए चल रहे हैं, तो आज उससे मुक्त होने का वक्त आ चुका है। उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को सामने देखते हुए, उससे आंखें मिलाते हुए मन ही मन कहिए, मुझे माफ कीजिए, मैं जितना अपनी काबिलियत के हिसाब से कर सका मैंने किया, मैं जो नहीं कर पाया मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। मैं आपके अपने जीवन में होने के लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे मन में बसे सारे प्रेम को आप महसूस करें, मुझे माफ़ करते हुए अपने प्रेम को मुझ पर बरसने दे। आप जहाँ भी हों,
खुश रहें, संपूर्ण रहें। इसी दुआ को आप किसी परिस्थिति को भी दीजिए कि उस पल में जो भी आपको समझ आ रहा था, आपने उसी तरह से निर्णय लेके उस स्थिति को पूर्ण किया। उस पल में जो बन सका आपने किया, जो नहीं कर सके उसके लिए खुद को क्षमा कर दें। और आज तक जो भी नया ज्ञान आया है, आप उसको आगे दोबारा नई स्थिति में इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए खुद को आज्ञा दें। जब हम अपने आप को पुराने कारणों की वजह से गुनहगार समझते हैं, तो हम खुद ही अपने आत्मा की यात्रा में रुकावट बना देते हैं। इस प्रार्थना को रोज करने से आप धीरे धीरे अपने अंदर के इस पछतावे को दूर कर सकेंगे। अब कुछ पल सिर्फ अपनी सांस से जुड़े रहिए और उस परमात्मा के प्रेम को अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस करें। इस तरह से महसूस करें कि उसके प्रेम ने आपके पूरे हृदय को भर लिया है। ना सिर्फ आप अपने अतीत से बाहर आ सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। इतना प्रेम अपने अंदर भर लिया है कि हर किसी के मार्गदर्शन के लिए आप अब तैयार हैं। हर वो व्यक्ति जो अपने अतीत के अंदर फंस चुका है, आप उनको भी वहां से बाहर ला सकते हैं। और इस ध्यान में रोज बैठकर आप देखेंगे कि आपका मनोबल हर दिन तंदुरुस्त, हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस ध्यान में हम और थोड़ी देर बैठे रहेंगे। सांस पे ध्यान निरंतर रखें। ये सांस ही आपको दोबारा अपने शरीर में लेकर आएगी। मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को पूरी तरह से वर्तमान में आने दें। देखिए कि क्या नई चीज आपने सीखी है उस घटना के घटने से। देखिए कि ये किस तरह से आपकी शक्ति का प्रदर्शन करती है, कि किस तरह आप किसी भी विपरीत परिस्थिति, घटना से निकलकर अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। कुछ पल इसको शांति से महसूस करें। देखिए कि श्वास गहरी होती जा रही है, कमर और सीधी होती जा रही है, आपके मन में परिवर्तन आने शुरू हो रहे हैं। खुद को इस परिवर्तन के लिए इजाजत दें। अपने अतीत को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए मैं अब तैयार हूं। एक और लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए हर उस तनाव को शरीर से चले जाने दीजिए जो आपके अंदर कहीं भी घर किया हुआ है। सारे तनाव से आज आप मुक्त हो रहे हैं। जैसे जैसे ये तनाव की कालिख आपके शरीर को छोड़ रही है, आपका शरीर खुलते जा रहा है, नई दिशा में चलने के लिए तैयार होते जा रहा है। अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इन्हें आंखों पे रख लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। और स्वागत है आपका। जब भी मन कमजोर महसूस हो, तो किसी और पदार्थ या व्यक्ति का सहारा ढूंढने की जगह खुद इस ध्यान में चले जाइए। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होता जाएगा और आपको नई दिशा आसानी से दिखती जाएगी। तो करते रहिए।